किसान आंदोलन में जो लोग शामिल थे उसको भी इसी तरह से आतंकवादी बता रहे थे, आज युवाओं को भी आतंकवादी बता रहे हैं। आज के डेट में लोकतंत्र में अब तो भाई विरोध करना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। झूठ और परपंच की बुनियाद पे बनाई हुई सरकार के दिन अब क्षणिक रह गए हैं। जिस तरीके से लोग को डराया जा रहा है, फर्जी केस मुकदमा कर करके माने ताकि लोग आंदोलन ना करें, तो विपक्ष क्या करे, हाथ पे हाथ देकर के आपके तमाम गलत बयानी को और गलत कामों की सराहना करता रहे। हमारा काम ही है उस सब समस्याओं को सरकार के पास रखना और सरकार के गलत कदम का विरोध करना, विरोध कर करके रास्ते पे लाना। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर के अब बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान भी खूब हंगामा हो रहा है। सदन की कार्यवाही जब शुरू होती है तो विधानसभा के अंदर भी हंगामा हुआ, जिस कारण से आज विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था। अब ऐसे में तमाम जितने विपक्ष की ओर से नेता हैं वो अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। शकील अहमद खां कह रहे हैं कि सरकार वापस ना लेती है तो ना ले, लेकिन विपक्ष भी हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठेगा। वहीं आरजेडी के एमएलसी रिंकू यादव भी साफ साफ कह रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, कह रहे हैं कि युवाओं को छला जा रहा है, जो वादे किए गए थे सरकार द्वारा वो भी पूरे नहीं किए गए। क्या कुछ दोनों का कहना है, जरा सुनिए। उन्होंने तो कहा था कि किसान के ऊपर जो कुटाराघात करता हुआ जो उनका बिल था उसको भी वापस नहीं लेने के लिए कसमें खा रहे थे, और किसान आंदोलन में जो लोग शामिल थे उसको भी इसी तरह से आतंकवादी बता रहे थे, आज युवाओं को भी आतंकवादी बता रहे हैं, तो ना लें। ये जिद पे अड़ी हुई सरकार, झूठ और परपंच की बुनियाद पे बनाई हुई सरकार के दिन अब क्षणिक रह गए हैं। लगता है कि युवाओं का जो गुस्सा है वो जायज़ है, जो भड़के वो जायज़ क्यों नहीं रहेगा। 17 साल की नौकरी जो मिनिमम थी उसको 4 साल में तब्दील कर देना, 9 महीने कम से कम जो ट्रेनिंग थी उसको 6 महीने में तब्दील कर देना, और पेंशन की स्कीम को ख़त्म कर देना, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि युवाओं से और युवाओं के भविष्य से आपको प्रेम नहीं है। वो कह रहे हैं कि विपक्ष को आप लोग भरमा रहे हैं, विपक्ष जो है वो युवाओं को भरमा रहे हैं। तो विपक्ष क्या करे, हाथ पे हाथ देकर के आपके तमाम गलत बयानी को और गलत कामों की सराहना करता रहे। आपने जो ये गलत काम किया उसके खिलाफ बोले भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी भी कभी विपक्ष में रही है और जो बात कहती थी वो याद नहीं इनको। तो विपक्ष का काम है कि पक्ष को आईना दिखाना और गलत कामों के खिलाफ प्रतिकार और प्रतिशोध करना। ये तो मतलब आज के डेट में लोकतंत्र में अब तो भाई विरोध करना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। हम लोग चाह रहे हैं कि कार्य स्थगन प्रस्ताव भी ला रहे हैं, ताकि जो युवा जिस तरीके से लोग को डराया जा रहा है, फर्जी केस मुकदमा कर करके माने ताकि लोग आंदोलन ना करें। ये हमारे देश में जो अग्नि वीर जो लाया जा रहा है हमारे देश के हिसाब से सही नहीं है। नहीं, सरकार तो कह रही है कि हम उन्हें एक अच्छी धनराशि भी देंगे जब वो 4 साल के बाद सेवा से निवृत्त होंगे, और उन्हें आरक्षण भी देंगे कई सारे क्षेत्रों में। नहीं, चलिए, ये आंदोलन का परिणाम है। अगर आंदोलन नहीं करते तो सरकार कहाँ से विचार करती उनकी मांगों पे। आपको लगता है कि उन्होंने तैयारी पहले से कर रखी थी इसको लेकर के, या अचानक ऐसा फैसला लिया गया? नहीं, तैयारी वो आज के हिसाब से जो अन्य देशों में जिनकी संख्या कम है, जनसंख्या कम है, उनके अनुसार से यहाँ हमारे देश की जनसंख्या 150 करोड़ के आसपास में है। हमारे यहाँ इस तरह का स्कीम बहुत फ्रूटफुल नज़र नहीं आता है, क्योंकि आज के डेट में बेरोजगारी इतना चरम पे है जिस पर बोलने की ज़रूरत नहीं है किस हालत में है। सत्ता पक्ष लोग कह रहे हैं कि विपक्ष को ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, युवाओं को कम तकलीफ हो। विपक्ष को क्या तकलीफ होगा, हम तो उन्हीं का मदद करते हैं, समस्याओं को उनको सामने लाते हैं। आज बेरोजगारी इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, हमारा काम ही है उस सब समस्याओं को सरकार के पास रखना और सरकार के गलत कदम का विरोध करना, विरोध कर करके रास्ते पे लाना। तो विपक्ष की ओर से चाहे कांग्रेस के विधायक हो या आरजेडी के एमएलसी हो, सभी अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा आपने सुना है। फिलहाल देखना यह है कि अब अग्निपथ योजना को लेकर के एक तरफ जहां बहाली की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, वहीं दूसरी ओर युवाओं के मुद्दे को लेकर के इस बिहार विधानसभा के चलते सत्र के दौरान जो हंगामा हो रहा है उसका फलाफल क्या निकलता है, क्योंकि जनता की गाढ़ी मोटी कमाई इस विधानसभा सत्र में लगती है और उसका फलाफल क्या निकल रहा है, जनता को उससे कितना फायदा हो रहा है, ये भी देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।